हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, पहला हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला हो गया आपका रियल टाइम, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो गया आपका मल्टी यूज़र, मल्टी यूज़र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंगल यूज़र, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद है आपका एम्बेडेड। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि इट प्रोसेसेस वेरियस इनपुट्स साइमल्टेनियसली फास्ट इनफ टू अफेक्ट द नेक्स्ट इनपुट और प्रोसेस। मतलब रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं कि रियल टाइम सिस्टम इतने फास्ट होते हैं कि ये कई इनपुट्स एक साथ जो है प्रोसेस कर सकते हैं और उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस में या नेक्स्ट इनपुट में उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो यूजली कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज होते हैं। कंट्रोल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये रियल टाइम सिस्टम यूज किए जाते हैं, जहाँ पे आपको ए लॉट ऑफ प्रोसेसिंग लाइक मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है वहाँ पे रियल टाइम सिस्टम यूज किए जाते हैं। ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूज स्पेशलाइज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सो दैट दे कैन अचीव ए डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ बिहेवियर। मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कुछ सर्टेन एल्गोरिथम्स यूज होती हैं ताकि इनपुट देने पे वो हम जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल सके। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर क्विक एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपके बहुत क्विक होते हैं और इनका जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो प्रेडिक्टेबल होता है कि अगर हम ये इनपुट देंगे तो हमको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दे हैव एन इवेंट ड्रिवन और टाइम शेयरिंग डिज़ाइन एंड ऑफन एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ। मतलब ये इवेंट ड्रिवन भी होते हैं, मतलब कि जब कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर करती है तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर टाइम शेयरिंग बेसिस पे अगर इनको सेट किया गया है तो ये सर्टेन टाइम के बाद एक प्रोसेस, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस, इस तरह ये काम करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इवेंट ड्रिवन सिस्टम में स्विचेस बिटवीन टास्क बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज और एक्सटर्नल इवेंट्स, व्हाइल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच टास्क बेस्ड ऑन क्लॉक इंटरप्ट्स। तो देखिए, इवेंट ड्रिवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इवेंट ड्रिवन में क्या होता है कि इसमें प्रायोरिटी बेस्ड काम होता है। मतलब कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना है, उस हिसाब से इवेंट ड्रिवन होता है। और टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में सर्टेन टाइम के बाद
एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से कहते हैं ये डिपेंड करता है क्लॉक इंटरप्ट पे, क्लॉक इंटरप्ट्स पे, टाइम शेयरिंग बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, अब आप आ जाइए सेकेंड टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो सेकेंड टाइप का है वो है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जो है आपका दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू साइमल्टेनियसली यूज द सिस्टम वाइल हियर एज वेल द प्रोसेसर स्प्लिट्स इट्स रिसोर्सेज एंड हैंडल्स वन यूजर एट ए टाइम। द स्पीड एंड एफिशिएंसी एट विच इट डज दिस मेक्स इट अपेरेंट दैट यूजर्स आर साइमल्टेनियसली यूजिंग द सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ही सिस्टम को, मान लीजिए एक ही सिस्टम है, ठीक है, उसको कई यूजर जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं। सपोज कीजिए यूजर वन हो गया, यूजर टू हो गया, यूजर थ्री हो गया, और इस तरह कई यूजर जो है इससे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो सीपीयू का जो रिसोर्सेज है, जो प्रोसेसर प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर अपने रिसोर्सेज को इस तरह स्प्लिट करता है, इस तरह बांटता है कि सारे यूजर को लगता है ये अपना काम कर रहा है, इसको लगता है कि सिस्टम इसके लिए काम कर रहा है, ये अपना काम करता है, इसको लगता है कि सिस्टम इसके लिए काम कर रहा है, ऐसे इसके लिए ऐसे, यानी हर यूजर को लगता है कि सिस्टम केवल उसके लिए काम कर रहा है, और जबकि इनफैक्ट ये सारे यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं। ठीक, ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे यूजर जो है सिस्टम पे एक साथ काम करते हैं। ठीक, अब जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यूनिक्स वो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप आ जाइए सिंगल यूजर पे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस पे एक सिस्टम पे एक समय में, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, तो एक सिस्टम पे एक समय में केवल एक ही यूजर काम करता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इज डिजाइंड फॉर वन यूजर टू इफेक्टिवली यूज ए कंप्यूटर एट ए टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर एक कंप्यूटर पे एक बार में काम करता है। ठीक है, When only a single program is allowed to run at a time, the system is grouped under a single tasking system. Single user operating system, as opposed to multi-user operating system, are usually by a single user at a time being able to use multiple accounts on a window operating system does not make it a multi-user system. Rather, only the network administrator is the real user. मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्या होता है, जैसे विंडो होता है, तो विंडो क्या है, विंडो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर अगर एक ही यूजर जो है कई अकाउंट्स बना ले, एक ही यूजर कई अकाउंट्स बना लेगा, तब भी क्या होगा कि वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करेगा, और उसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो उसके रियल यूजर की तरह काम करेगा। तो ये चीज होती है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें नाम में पता है, मल्टी टास्किंग मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल एप्लीकेशंस मे बी साइमल्टेनियसली लोडेड एंड यूज्ड इन द मेमोरी। इसमें कई एप्लीकेशन एक साथ लोड किए जा सकते हैं और यूज मेमोरी को यूज कर सकते हैं। व्हाइल द प्रोसेसर हैंडल्स ओनली वन एप्लीकेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग बिटवीन द एप्लीकेशंस इफेक्टिवली टू अपेरेंटली साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट ईच एप्लीकेशन। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सीन एवरीवेयर टूडे एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी एन एग्जाम्पल। तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कई टास्क, ठीक है, कोई सिस्टम एक साथ, कोई सिस्टम एक साथ कई टास्क को ऑपरेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ कि
जैसे मान लीजिए आपने आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अब उस पे आप प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने किसी फाइल को प्रिंटआउट के लिए भी दिया हुआ है, साथ ही साथ आप किसी फाइल से डेटा रीड भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है आप उसको आउटपुट भी मॉनिटर पे दिखा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं ये एक साथ काम करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जनरली आज के समय में इसी तरह के जनरली आज के समय में इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम सब जगह यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रीएम्प्टिव, और दूसरा होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, इन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम स्लाइसेस द सीपीयू टाइम एंड डेडिकेट्स वन स्लॉट टू ईच ऑफ द प्रोग्राम। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका सीपीयू आपका आपके पास सीपीयू टोटल जो है सीपीयू टाइम से मान लीजिए 10 सेकेंड है, तो ये क्या करता है उसको मान लीजिए इसने स्लाइस कर दिया या डिवाइड कर दिया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 3 5, और फिर मान लीजिए 5 4 9 सेकेंड और 1, इस तरह सीपीयू टाइम को बांट दिया। अब ये जो 2 सेकेंड है ये इसने टास्क T1 को दे दिया, ठीक है। ये 3 सेकेंड इसने टास्क T2 को दे दिया, ये 4 सेकेंड इसने टास्क T3 को दे दिया, और ये 1 सेकेंड इसने टास्क T4 को दे दिया। तो प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि जो सीपीयू टाइम है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और हर एक पार्ट को अलग अलग टास्क को दे दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इट डेडिकेट्स वन स्लॉट टू ईच ऑफ द प्रोग्राम। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सोलरीज एंड लिनक्स सपोर्ट प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो जो आपके यूनिक्स की तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कौन कौन से, जैसे सोलराइज होता है या लिनक्स होता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक। अब आ जाइए सेकेंड कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग इज अचीव्ड बाय रिलाइंग ऑन ईच प्रोसेस टू गिव टाइम टू अदर प्रोसेस इन अ डिफाइंड मैनर। मतलब इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस, मान लीजिए हमने कहा कोई प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 को सर्टेन टाइम देगा जो पहले से डिफाइंड होगा। प्रोसेस P3 को सर्टेन टाइम सीपीयू टाइम देगा जो पहले से डिफाइंड होगा। तो इसी को कहते हैं कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, मतलब एक प्रोसेस दूसरे को कोऑपरेट करता है, ठीक। तो ये दो तरह की मल्टीटास्किंग होती है, प्रीएम्प्टिव हो गया और कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका जो 16-बिट वर्जन है, 16-बिट वर्जन, वो सपोर्ट करता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग को, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग को 16-बिट विंडो का वर्जन सपोर्ट करता है। और जो 32-बिट वर्जन होते हैं, 32-बिट वर्जन्स, ठीक है, जैसे विंडो NT हो गया और विंडो 95 एटसेट्रा हो, जैसे आपका विंडोज NT हो गया और विंडो 9 की जो सीरीज आई थी 95, 98, ये सब तो 9X हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विंडो 9X सीरीज हो गई। ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं प्रीएम्प्टिव को, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग को, ठीक है, जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है कि एप्पल मैकिंटोश का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ये कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है कोऑपरेटिव मल्टी टास्किंग को, ठीक। तो ये तो हो गया आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड,
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेटा मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सिस्टम, प्रोग्राम्स एंड फाइल्स मे बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड मे बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर टर्मिनल। देखिए जैसे नाम बता रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का स्टोरेज, कंप्यूटर सिस्टम, यूजर टर्मिनल सब एक ही जगह पे हो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका यूजर टर्मिनल यहाँ पे है, ठीक है, और स्टोरेज जो है किसी और ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है, यहाँ स्टोरेज है, ठीक, और प्रोग्राम और डेटा वो कहीं और स्टोर है, ठीक है। मान लीजिए प्रोग्राम आपका यहाँ स्टोर है और डेटा आपका यहाँ स्टोर है, और ये आपस में नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ये हो गया यूजर टर्मिनल, तो ये आपस में जैसे भी नेटवर्किंग रहती है उसके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, क्योंकि इन दिस सिस्टम यूजर टर्मिनल, डेटा, प्रोग्राम्स, अदर स्टोरेज डेटा, ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात आती है कि देखिए हम लोग जो ज़्यादा फैमिलियर हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से है, लेकिन अदर ये जो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कंपनीज में, ठीक है, एंड फर्म्स वगैरह में वहां पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, किसके लिए, इन ए स्पेशल सिस्टम। जो हम लोग नॉर्मल यूज के जो है वो मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग सिस्टम है, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए कंपनीज में या फर्म्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से एक बार हम आपको डिफाइन कर दें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। तो वही जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें ये सारे कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड रहते हैं, लेकिन ये एज ए होल इस तरह काम करते हैं कि जैसे ये एक कंप्यूटर हो, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर दैट कुड बी लिंक्ड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर गिव राइज टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस आर कैरीड आउट ऑन वन और मोर देन वन मशीन। व्हेन कंप्यूटर्स इन ए ग्रुप वर्क इन कोऑपरेशन दे मेक ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वही चीज हो गया, अगर कई कंप्यूटर आपके जो है आपस में एक ग्रुप बना के और आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपस में काम कर रहे हैं मतलब कि से जो जो डेटा इसके पास है उसको ये यूज कर सकता है, ये कुछ इनपुट दे रहा है उसको ये प्रोसेस कर सकता है, ये कुछ आउटपुट दे रहा है वो इसके आउटपुट डिवाइस में आ सकता है, मतलब दे एज ए होल वर्क एज ए सिंगल बॉडी। तो इस तरह के सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड में क्या होता है, देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए पहले तो आप एम्बेडेड की मीनिंग समझ लीजिए, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी के अंदर वो चीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये क्या कह रहा है, दे आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑन स्मॉल मशीन्स लाइक पीडीए विद लेस ऑटोनोमी, ठीक है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो छोटी मशीन्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, जैसे छोटी मशीन मतलब जैसे पीडीए हो गया आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल।
दे आर एबल टू ऑपरेट विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये छोटी मशीन्स में यूज होते हैं, इनके जो ऑपरेशन का जो एरिया भी रहता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहता है. दे आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट बाय डिजाइन. तो अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, तो विंडो सीई जो है, विंडो सीई ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऐसे ही आपका मिनिक्स 3, MINIX, मिनिक्स 3, ये जो एग्जाम्पल है ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल इसके जैसे फ्री बी एस डी, ये तीनों जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं. ये स्मॉल मशीन्स में यूज होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज इसके पास रहते हैं. ठीक, अब उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. इन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड प्रोसेसर इज लिमिटेड और देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड आर बंडल्ड एंड कलेक्टेड एज ए बैच एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर. तो देखिए जैसे नाम ये बता रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कराने हैं उन सबको एक साथ करके उनका एक बंडल या बैच की फॉर्म में हम बना देते हैं, समझ रहे हैं. और जो इनपुट डाटा चाहिए होता है वो भी हम इनपुट कर देते हैं साथ में, और फिर जो इनपुट डाटा है वो और जो प्रोग्राम्स हैं वो, उनको हम इकट्ठे एग्जीक्यूशन में लगा देते हैं. अब क्या होगा कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो यूज़र है उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम से. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, जैसे हमको मान लीजिए हमारे पास PDF की या MS Word की 20 फाइलें हैं, ठीक, और उनको हमें प्रिंट करना है. एक तो तरीका ये है कि हम एक एक फाइल करके प्रिंट करें, एक फाइल प्रिंट करें फिर उसके पेपर कलेक्ट कर लें, फिर दूसरा प्रिंट करें फिर कलेक्ट कर लें. दूसरा तरीका क्या है कि हमने इकट्ठे 20 फाइलों को प्रिंट कमांड दे दिया और वो वन बाई वन करके अपना प्रिंट हो रही है. उसके दौरान उसके बीच में यूजर को सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं करना है. तो इस तरह का जो काम होता है दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐसी मान लीजिए हमने हमारे पास से 10 प्रोग्राम है और वो हमको एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक. 10 प्रोग्राम मान लीजिए दो नंबरों के, से हमने कहा एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, एक नंबर की पावर दूसरा नंबर है, ठीक है, और भी कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स, बी टाइम्स, इस तरह के. मतलब ये हमें 10 प्रोग्राम रन कराने हैं और इसमें इनपुट क्या चाहिए, खाली दो नंबर ए और बी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ए और बी दे देंगे और ये 10 प्रोग्राम इन सबको एक बंडल में कर देंगे, एक साथ कर देंगे और इसको हम एग्जीक्यूशन में लगा देंगे, ठीक. तो एक एक करके जैसे ए प्लस बी का रिजल्ट आ जाएगा, फिर ए माइनस बी का आ जाएगा, फिर ए डिवाइडेड बाई बी का आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी का आ जाएगा, ए की पावर बी का आ जाएगा, ऐसे करके हमको एक एक करके रिजल्ट आने लगेंगे. तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग. अब इसमें जो बैच प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, ठीक है, वो ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर आइडियल इन सिचुएशन वेयर. मतलब जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडियली कब काम करेगा, जब पहला क्या है कि देर आर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, डाटा जो प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा है. सेकंड क्या है, सिमिलर डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, जो डाटा प्रोसेस होने वो सिमिलर हो. पहला तो लार्ज अमाउंट हो गया, दूसरा हो गया सिमिलर हो गया, तीसरा हो गया आपका कि सिमिलर प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व व्हेन एग्जीक्यूटिंग द डेटा, ठीक है. अब जैसे क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आइडियल उस केस में होगा, जैसे मान लीजिए आपको 1000 स्टूडेंट्स की आपको मार्कशीट बनानी है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक. अब मार्कशीट कैसे बनेगी, तो उसमें हम 5 सब्जेक्टों के सपोज कीजिए हम नंबर एंटर करेंगे, ए बी सी डी ई, उनका टोटल आ जाएगा प्रोग्राम से और उनकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक. अब यही चीज़ हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हमने कहा कि ये 100 में से नंबर दे दिए, इसे सपोज कि 60, 70, 75, 85, 94, फिर ऐसे ही
अगले स्टूडेंट का दे दिया हमने, सपोज कीजिए आपका 72, 71, 80, 83, 84 इस तरह। तो ऐसे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास होगा, हम उसको फाइल में स्टोर करके रखेंगे। प्रोग्राम हमारा एक ही होगा जो इन नंबरों को टोटल करेगा और इनकी परसेंटेज निकालेगा। तो उन 1000 स्टूडेंट्स का डेटा प्लस प्रोग्राम हम एक साथ एग्जीक्यूशन पे लगा देंगे, वो एक एक करके हर एक स्टूडेंट की मार्कशीट जो है बनाता चला जाएगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करना हो, सिमिलर डाटा हो, सिमिलर डेटा हो और सिमिलर प्रोसेसिंग भी करनी हो, सेम कैलकुलेशन भी सिमिलर प्रोसेसिंग भी करनी हो, तो इन कंडीशन में बैच प्रोसेसिंग को, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना सबसे बढ़िया रहता है। ठीक, तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।